हेलो फ्रेंड, मैं हूं रवि और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में वैदिक सभ्यता के कुछ बेसिक से तथ्य के बारे में जानकारी ली थी और हमें यह पता चला था कि जो वैदिक सभ्यता थी इन्हें दो भागों में बांटा गया था, एक पूर्व वैदिक काल तथा दूसरा उत्तर वैदिक काल। सो आज हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पूर्व वैदिक काल के बारे में थोड़ा और विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चूंकि हमें किसी भी सभ्यता के बारे में यदि जानकारी प्राप्त करना होता है तो मुख्य रूप से चार बातों को जानकर हम किसी भी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मुख्य चार बिंदु है यह है राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन तथा धार्मिक जीवन। आज हम लोग इसी चार मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा कक्षा है वो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग राजनीतिक जीवन की ओर आते हैं। क्योंकि जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे यह एक ग्रामीण प्रधान सभ्यता थी और यहाँ लोग छोटे छोटे कबीले में बसे हुए थे और इसी कबीले को जो सामूहिक रूप को एक मिलकर जन का निर्माण होता था। क्योंकि जन को एक व्यवस्थित ढंग से चला सके तथा शांति व्यवस्था स्थापित कर सके इसके लिए एक राजन का पद तैयार किया गया था। और यह जो राजन का पद था इन पर जो जो क्या कह सकते हैं कबीला के जो सबसे प्रमुख व्यक्ति या सबसे ताकतवर व्यक्ति होता था वही इस राजन के पद पर आसीन होता था। परंतु परंतु ये जो राजन का पद पर कोई भी व्यक्ति आसीन होता था इनकी जो अधिकार थी वो काफी सीमित अधिकार था। इन्हें किसी प्रकार का विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। और हम इस राजन के पद को उस समय के राजा के समान भी तुलना कर सकते हैं कि यह वैदिक सभ्यता का राजा होता था। आखिरकार यह जो राजा था किस प्रकार अपनी व्यवस्था को चलाता था इनके बारे में थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। राजा की सहायता के लिए कुछ कुछ संस्था का भी निर्माण किया गया था ताकि कोई भी कार्य को अच्छे ढंग से किया जा सके। ये जो कुछ प्रमुख संस्थाएं थी इनमें से समिति, सभा, विदर तथा गण आते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं कि ये जो संस्थाएं थी ये किस प्रकार कार्य करती थी तथा इनके सदस्य कौन कौन थे। सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था थी वह समिति थी। और यह समिति एक आम सभा होती थी। यहाँ जितने भी कबीले के आम लोग होते थे, जितने भी आम नागरिक होते थे वे सभी इनके सदस्य होते थे। वे सभी सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर किसी भी बात पर चर्चा करते थे तथा एक और यहाँ खास बात है कि इसमें महिला की भी भागीदारी होती थी। जितने भी कबीला की महिला थी वो भी इस सभा में सम्मिलित होती थी। इनके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संस्था था वह था सभा। और यह कुलीनों की एक संस्था थी। जितने भी कबीले के जितने भी ज्ञानी व्यक्ति पढ़े लिखे लोग थे वे सभी इनके सदस्य होते थे तथा सरकार किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से कैसे कर सकते व्यवस्थित ढंग से कैसे करे उनके लिए वो सरकार को सुझाव या राजन को सुझाव देती थी। इनके बाद जो तीसरा सबसे प्रमुख संस्था था वो थी विदर्भ। चूंकि जब दो कबीलों के बीच में युद्ध होता था तो जो कबीला जो दूसरे कबीले से जो लूट का जो सामान प्राप्त होता था इस लूट के सामान को किस प्रकार से बांटा जाए, अनाज को किस प्रकार से बांटा जाए इनके लिए एक विशेष संस्था बनी हुई थी, उन्हें ही विदर्भ कहा जाता था। इनके बाद चौथा संस्था के और आते हैं जिनका नाम था गण। और यह भी एक कुलीनों की संस्था थी और इनका कार्य सभा के समान ही था। इस संस्थाओं के अलावा भी बहुत से ऐसे अधिकारीगण थे जो कि राजा की सहायता के लिए बने थे ताकि किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से कर सके। ये जो अधिकारी होते थे इन्हें रत्निन कहलाते थे। ये अधिकारी को रत्निन कहा जाता था। इस समय जो सेना थी वह काफी नियमित नहीं थी। सेना नियमित नहीं थी अर्थात जब युद्ध के जो समय आता था या युद्ध की घड़ी आती थी तो यहाँ के जो आम नागरिक थे वही सैनिक में सेना के रूप में भर्ती सेना में सैनिकों के रूप में भर्ती ले लेते थे तथा युद्ध समाप्ति के बाद वह पूर्ण रूप से फिर अपने नैतिक जीवन, अपने कार्यकलाप में अपने एक आम जीवन के रूप में व्यतीत करते थे। यहाँ पर किसी पर यहाँ अभी तक तो यहाँ पर कर व्यवस्था जो थी उतनी व्यवस्थित नहीं हो पाई थी या उतनी इसलिए यहाँ परंतु यहाँ पर जो एक सबसे प्रमुख कर था वो था बलि। यह एक प्रकार का कर होता था जो कि वैदिक सभ्यता में लिया जाता था। और यह कर एक स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर था। यहाँ के जो लोग थे वो अपने अनाज का स्वेच्छा से कुछ पार्ट राजन को दे देते थे। इनके बाद यहाँ न्याय का जो उल्लेख था वो उतना तो नहीं मिल पाता है लेकिन इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि जो ये संस्था थी इन्हीं के द्वारा ही न्याय व्यवस्था भी संचालित की जाती होगी। अब हम लोग सामाजिक जीवन की ओर आते हैं। यहाँ का जो समाज था वो समतावादी था अर्थात यहाँ पर समाज में किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, सभी एक समान मान्यता रखते थे। इसके बाद जो सर्वप्रथम जो वर्ण व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वह जो ये वैदिक सभ्यता थी यानी
जो यह हाँ वैदिक सभ्यता बोल सकते हैं, जो वैदिक सभ्यता में ही वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, परंतु यह जो वर्ण व्यवस्था थी उस समय थी अभी के वर्ण व्यवस्था से काफी अधिक अलग थी, क्योंकि क्योंकि जो वैदिक सभ्यता में जो वर्ण व्यवस्था थी इसमें जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं बल्कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति अगर ज्ञानी है तो वो ब्राह्मण कहलाया जा सकता था, और कोई व्यक्ति यदि ताकतवर था तो वो क्षत्रिय बन सकता था। इनके बाद हम लोग दास प्रथा की ओर आते हैं। दास प्रथा भी इस समय में प्रचलित थी, परंतु दासों की जो स्थिति थी वो काफी अच्छी थी, उनका अधिक शोषण नहीं किया जाता था। परिवार तथा कुल अर्थात मतलब इस जो कबीले थे इनके जो सबसे छोटी इकाई थी उन्हें परिवार या कुल कहा जाता था, और ये जो परिवार था वह एक संयुक्त परिवार होता था, और यह जो सभ्यता थी यह एक पैतृक सत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ दिया हुआ है पैतृक सत्तात्मक सभ्यता थी, अर्थात यहाँ पर जो परिवार का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था वह पिता ही होता था। अब हम लोग थोड़ा सा स्त्री के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि स्त्रियों की स्थिति वैदिक सभ्यता में किस प्रकार थी। यहाँ पर स्त्रियों की जो स्थिति कह सकते हैं ओवरऑल कि बहुत ज्यादा अच्छी थी, इन्हें पुरुषों के समान ही समान अधिकार प्राप्त थे, तथा जैसे कि यहाँ पर उन्हें उपनयन संस्कार एवं शिक्षा का भी अधिकार प्राप्त था, तथा पुनर्विवाह तथा नियोग प्रथा थी। अर्थात नियोग प्रथा का मतलब कि यदि किसी स्त्री के अगर उनका पति मर जाए तो वो अपने देवर से भी शादी कर सकता था। यहाँ पर बाल विवाह तथा दहेज प्रथा नहीं था, अर्थात इस सबसे जो तथ्य है इससे हम यह कह सकते हैं कि जो स्त्रियों की जो दशा थी जो वैदिक सभ्यता वो काफी अच्छी थी। यहाँ के जो लोग थे वो भोजन के रूप में शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन ग्रहण करते थे, तथा मनोरंजन के रूप में मुख्य रूप से जो पासा का खेल होता था वो पासा का गेम खेलते थे, तथा मनोरंजन के अन्य रूप में वह नृत्य तथा संगीत में भी रुचि रखते थे। हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में मोटे तौर पर जो बेसिक तत्व होते हैं उन्हें जान लिया। अब हम लोग आर्थिक जीवन की ओर आते थे। चूंकि जो वैदिक सभ्यता थी यहाँ अभी तक कृषि उतनी विकसित नहीं हो पाई थी, इसलिए यहाँ पर जो मुख्य व्यवसाय के रूप में जाना जाता था वो पशुपालन था, अर्थात अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो पशुपालन ही था। और व्यापार के बारे में या उद्योग के बारे में कहें तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी उद्योग प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड रहता, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि। चूंकि कृषि उतनी विकसित नहीं थी इसलिए द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग भी उतना विकसित नहीं हो पाया था। यहाँ जो व्यापार था वह विनिमय प्रणाली अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान करके होता था। यहाँ पर सिक्के नहीं बने हुए थे यानी मुद्राएं नहीं प्रचलित थी, वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था, तथा व्यापार काफी सीमित था। आंतरिक व्यापार बोल सकते हैं कि केवल आंतरिक व्यापार था, अर्थात कबीले कबीले के बीच ही व्यापार होता था या कबीले के अंदर, किसी प्रकार का विदेशी के साथ व्यापार का इसमें साक्ष्य नहीं मिलता है। अब हम लोग धार्मिक जीवन की ओर आते हैं। यहाँ पर जो लोग थे वह प्राकृतिक पूजन तथा बहुदेववादी थे, अर्थात बहुत से देवी देवताओं के पूजा करते थे। इन देवी देवताओं में 33 देवी देवताओं का मुख्य रूप से नाम लिया जाता था कि वैदिक सभ्यता में 33 देवी देवताओं मुख्य थे जिन्हें पूजा की जाती थी, और इन 33 जो देवी देवताओं थे उन्हें भी तीन आधार पर बांटा गया था, एक अंतरिक्ष के देवता, दूसरा पृथ्वी के देवता, तथा तीसरा आकाश के देवता। अंतरिक्ष देवता के अंतर्गत जिन देवताओं को रखा जाता है उनके ये नाम थे इंद्र, मारुत, रुद्र तथा वायु। इन सभी देवताओं को अंतरिक्ष के देवता कहते थे, तथा अग्नि, पृथ्वी, सोम तथा बृहस्पति को पृथ्वी देवता के रूप में जाना जाता था, तथा सूर्य, वरुण, उषा तथा सविता तथा विष्णु को आकाश देवता के नाम से जाना जाता था। देवता तो प्रमुख थे परंतु इनमें से कुछ देवता का स्थान काफी अधिक महत्व था, जिनमें से सर्वप्रथम जो महत्व माना जाता था वह इंद्र देवता का माना जाता था। इन देवता की पूजा वैदिक सभ्यता में सबसे ज्यादा मिलती है, इनके साक्ष्य बहुत ही अधिक मिले हैं। इन देवता को पुरंदर भी कहा जाता, अर्थात किले को ढाने वाला। इनके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता था वह था अग्नि देवता। इन्हें मध्यस्थता का देवता कहा जाता था, अर्थात यदि मध्यस्थता अर्थात यह मनुष्य और ईश्वर के बीच एक मध्यस्थता का काम करता था, अर्थात यदि हम किसी भी चीज को अग्नि को समर्पित करें तो वो देवता के पास चला जाता था, इसलिए इनका भी काफी अधिक महत्व था। आज का जो ये हमारा पूर्व वैदिक सभ्यता था इनके बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल के बारे में और विस्तार आप लोग चर्चा करेंगे।